सदर पुलिस थाने अंतर्गत इलाके में अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। मुखबिर से ये सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा जब्त कर लिया है और आगे की जाँच पुलिस कर रही है। जब अपराध प्रकटीकरण दस्ते के अधिकारी कर्मचारी नागपुर के विशेष पुलिस थाने के तहत विशेष अभियान में क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तब संदीप को अपने विश्वसनीय मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली कि अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। पुख्ता जानकारी की मदद से बड़ी कुशलता से जाल बिछाया गया और आरोपी मॉरिस फ्रांसिस को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को एक पिस्तौल पत्रिका और दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था और आगे की पुलिस जाँच जारी है। 28/5/2022 आमची टीम गड्डे उदाम या भागामध्ये विशेष मोहीम राबवत होती। त्या दरम्यानमध्ये तिथे पेट्रोलिंग करत असताना सकाळी 10 वाजता आम्हाला माहिती मिळाली की एक आरोपी इसम आहे, त्याच्याकडे एक पिस्टल आणि राऊंड बाळगून तो काहीतरी कृत्य करण्याच्या तयारीत आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही सर्व संपूर्ण माहिती काढली आणि माहिती काढून आम्ही सापळा रचून त्या इसमात ताब्यात घेतले। त्या इसमाचे नाव होते मॉरिस एरिक स्वामी फ्रान्सिस व 19 वर्ष राहणार कॅथोलिक चर्च जवळ मोहन नगर खलाशी लाईन। आणि त्याच्या ताब्यातून आम्हाला एक पिस्टल, एक मॅग्झिन आणि 2 राऊंड असा 46,000 रुपयाचा मुद्देमाल मिळालेला आहे। आरोपीस आम्ही अटक केलेली आहे, सध्या तो PCR मध्ये आहे, त्याची आम्ही चौकशी करत आहोत की त्यांनी ती पिस्टल कुठून आणलेली होती आणि कशासाठी आणलेली होती, याच्याबद्दल आता आमचा तपास सुरू आहे। सध्या त्याच्या आरोपीवर एक गुन्हा दाखल होता, तो जेव्हा जुवेनाईल होता त्यावेळी त्याच्यावर एक बॉडी ऑफ एन्चा गुन्हा दाखल आहे। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।